आदाब सभी को प्यार भरा सलाम। एक बार फिर जोजिला के एडवाइजरी के हवाले से आपसे अपडेट पूछा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हम सब जानते हैं जोजिला पास पे लाइट मोटर व्हीकल्स को अलाउ किया गया है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियों को भी आने की इजाज़त, आने जाने की इजाज़त दी गई है। उसी हवाले से अब हम आपको 27 मार्च के हवाले से आप तक जानकारी पूछा रहे हैं। 27 मार्च को भी जोजिला पास पर गाड़ियों की आमदरफ्त होगी और यह देखा जाएगा कि मौसम के क्या कंडीशन रहते हैं। मौसम को मद्नजर रखते हुए जोजिला पास पर आमदरफ्त बहाल किया गया है। फिर से एक बार जोजिला पास पर गाड़ी को जाने की इजाज़त दी गई है। और कल 27 मार्च के हवाले से आपको बता दें तो कल 27 मार्च को सोनामर्ग से लद्दाख की ओर गाड़ी को जाने की इजाज़त होगी और टाइमिंग रहेगा सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक किसी भी सोनामर्ग क्रॉस करना है, उसके बाद किसी भी गाड़ी को आगे मुकर की इजाज़त नहीं दी गई है। और साथ ही साथ हिदायत भी जारी की गई है कि एंटी सिकिट चेन जो है वो अपने साथ रखें, उसका इस्तेमाल करें और सुबह 7 से 8:30 बजे का जो टाइम रखा है उस बीच में ही सोनामर्ग टीसीपी क्रॉस करना है, उसके बाद किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। क्योंकि उसके बाद अगर गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त दी गई तो आगे सोना उल्लास के बहुत खास रहते हैं, जिसकी वजह से 8:30 बजे के बाद गाड़ी को आगे मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं होगी। तो आप सुबह सवेरे ही निकले और 7 से 8:30 का जो टाइम रखा गया है सोनामर्ग टीसीपी क्रॉस करने का, उसी टाइम के मुताबिक ही आप सफर पर निकले। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इन दिनों जोजिला पास पे जो 1 वे ट्रैफिक मूवमेंट रखा गया है और ऑल लाइट मोटर व्हीकल्स को, जिसमें गुड्स पैसेंजर गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई है, वो लगातार जोजिला पास पर मूवमेंट जो है वो की जा रही है। तो कल के हवाले से भी जोजिला पास पर एडवाइजरी जारी हुई है और कल 27 तारीख को भी जोजिला पास पर गाड़ियों की आमदरफ्त होगी और सोनामर्ग से कल लद्दाख की ओर गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जाएगी। और अभी ये भी साफ साफ कहा गया कि किसी भी हैवी मोटर व्हीकल को जोजिला पास पर चलने की अभी इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से भी अगर आने वाले दिनों में किसी भी तरह की एडवाइजरी हम तक पूछे तो हम फौरन आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए लद्दाख ऑनलाइन के साथ और पल पल के अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे।